अब मुख्यमंत्री की रेस में बीजेपी के कई महिला जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, वो भी रेस में मौजूद है, लेकिन विष्णुदेव साय, रमन सिंह और संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसलिए इनके नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके, तो उनको एक प्रशासनिक आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी है। यही वजह है कि विष्णुदेव साय को लेकर इतने ज्यादा अटकलें हो रही हैं। अब आदिवासी नेता गोमती साय का नाम भी आगे चल रहा है। विधायक दल की बैठक से पहले गोमती साय ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि वो बीजेपी की सिपाही हैं और जो भी सेनापति आदेश देगा वो उसे मानेंगी। गोमती साय पथल गांव विधानसभा से चुनी गई हैं और 2019 से लेकर 2023 तक रायगढ़ से वो सांसद भी रही हैं। गोमती साय हमारे साथ हैं। अब विधायकों की मीटिंग होने जा रही है और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, बहुत सारे नाम है, एक नाम आपका भी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और हम एक सिपाही हैं। हमारे जो सेनापति जो आदेश देता है बस वो काम करने के लिए हम लोग यहाँ हैं और वही काम करते हैं, बाकी हमारा काम उतना ही तक रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन आप क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो जीत बीजेपी कितनी बड़ी हुई, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था, आदिवासियों का बहुत बड़ा, और आप आदिवासी हैं, सरगुजा में जो 14 सीट थी सभी 14 आप लोग जीत गए हैं, इसलिए आपका दावा बड़ा माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सभी माता बहनें को बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने इस तरह का भारतीय जनता पार्टी को विश्वास जताया है और पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मेजॉरिटी है, और उसके लिए तो मैं उनको जितना भी बोलूँ उतना मेरे लिए कम है। और बाकी मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश रहता है उसका हम पालन करते हैं। लेकिन जैसे अगर महिला मुख्यमंत्री होती है और आदिवासी मुख्यमंत्री होती है, तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश के लिए ये बेहतर होगा यहाँ की जनता के लिए? बिल्कुल नो कमेंट। तो गोमती साय का तो कहना है कि नो कमेंट। 2019-2023 तक वो सांसद रह चुके हैं। पत्थल गांव से विधानसभा में उन्होंने जीत हासिल की है और एक कह सकते हैं कि युवा चेहरा भी है और साथ ही महिला है, और कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सोच रहे कि आने वाले कई सालों तक अगर वहां पर कोई ऐसा लीडर तैयार करना चाहते हैं जो आदिवासी समाज के साथ साथ जो आधी आबादी यानी कि महिला है उनको भी सशक्त करे, तो ऐसे में गोमती साय एक ऐसा नाम हो सकता है जो बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठता है। वैसे सीएम की दौड़ में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी नेता अरुण साव भी हैं। विधायक दल की बैठक से पहले अरुण साव ने कहा कि आज की मीटिंग में सीएम बनने को लेकर चर्चा होगी और विधायक और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तय करेंगे। छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, सस्पेंस अभी बना हुआ है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं। क्या माने कि ये सस्पेंस जो है, नाम कब तक सामने आ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की दोपहर 2 बजे बैठक होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, सर्वानंद सोनोवाल जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, विधायक दल की बैठक लेंगे। साथ ही हमारे प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी ये बैठक में शामिल होने वाले हैं और विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। जैसे जो मीटिंग होगी ऑब्जर्वर्स इसमें आएंगे, जो प्रभारी वो रहेंगे, किस तरह का क्या प्रोसेस होता है, विधायकों से पूछा जाता है या जो नाम वो लेके आएंगे, जैसे कई नाम यहाँ चल रहे, किस तरह से मुख्यमंत्री का नाम तय होगा? ये पर्यवेक्षक तय करेंगे कि क्या प्रक्रिया होगी, पर पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी, उस पर विचार विमर्श होगा और आगे का निर्णय होगा। बहुत सारे नाम हैं, सबसे आगे नाम आपका भी है क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में बड़ी कामयाबी पार्टी को मिली, ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है, तो ये कहा जा रहा है कि आप भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे और विधायक दल की बैठक में इसको लेकर विचार विमर्श होगा। आप कैसा चाहते हैं, कैसा मुख्यमंत्री हो छत्तीसगढ़ का, नए मुख्यमंत्री? देखिए, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री होगा, डबल इंजन की सरकार होगी और छत्तीसगढ़ का तेज गति से विकास हो, यही हम सब चाहते हैं और इस दिशा में तेजी से काम होगा। जैसे शपथ ग्रहण कब तक मानेंगे, कब तक? ये आपको जब भी तारीख तय होगी और कौन किस प्रकार से कार्यक्रम होगा इसकी जानकारी आपको देंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से जैसा बताया है कि अब जो विधायकों की जो मीटिंग होगी उसी में आगे तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का कौन होगा।